तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। आप चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सब लोग इसको पूरा देखकर जाइएगा जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये हिंदी का पूरा पेपर है जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा का पेपर होगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया, देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन, चिरागा किसके लिए तय था, तो देखो हर एक घर के लिए तय था। अगला क्वेश्चन, जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहाँ अलंकार होता है, तो देखो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, तो देखो ये इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोने का किला किसकी रचना है, तो देखो ये रचना है सत्यजीत राय की, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्र का तद्भव है, तो देखिएगा क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो देखो ये मिथिला प्रांत की है, तो यहाँ से आपको मिथिला लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं, तो देखो सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। टोटली आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर के लिए निर्धारित है और जो आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आपसे। अब उसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लें, प्रश्न नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। अब देखो सही शब्द का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, मर्सिया का अर्थ होता है, तो देखिएगा मर्सिया का अर्थ होता है शोक गीत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो देखो 4 है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 4 लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं, तो देखिएगा आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं अनुभव, तो यहाँ पर आपको अनुभव लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, विदाई संभाषण व्यंग पर लिखी गई रचना है, तो देखो लॉर्ड कर्जन पर लिखी गई ये रचना है, तो यहाँ पर आपको लॉर्ड कर्जन लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुतमईन का अर्थ है, तो देखिएगा मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त करना, तो यहाँ से आप लोग आश्वस्त लिख लें। अगला क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है, तो देखो संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ से आपको 3 लिख लेना है। संचार प्रक्रिया में प्राप्त कर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको फीडबैक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो पूरा का पूरा जिस प्रकार के मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा, जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन, कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र, जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो उसको कहते हैं माधुरी गुण। प्रेमचंद की जोड़ी का मिलान हो जाएगा कायाकल्प से, तुम भी आ गए में निपात शब्द होगा। घूमर की जोड़ी मिल जाएगी राजस्थान से, स्क्रूटनी की जोड़ी मिलेगी एनकोडिंग से। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को पूरा तैयार कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, तो देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुभव के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। भारत मित्र के संपादक कौन थे, तो देखो पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लो इनको। विभाषा किसे कहते हैं, तो देखो भाषा की छोटी इकाई विभाषा कहलाती है। रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो देखो ऐसा पानी जो वर्षा के माध्यम से धरती के नीचे चला जाता है लेकिन किन्हीं कारणों से भूजल में नहीं मिल पाता है, इसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। अनुस्मारक और स्मरण पत्र में क्या अंतर है, तो देखो किसी भी विषय को याद दिलाने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, सत्य असत्य बताइए। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, पास पंजाबी साहित्य के कवि है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। तुम बरस लो वो ना बरसे में यमक अलंकार होगा, असत्य होगा। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चैता शिष्यता, तो ये भी आपका सत्य होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये भी सत्य होगा।
रंगोली अल्पना चित्रकला के रूप है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका उत्तर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया। तो अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया उसका उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को पूरा नोट कर लो। अब 6 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी याद कर लो पूरा का पूरा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लो पूरा का पूरा। ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है और 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रसाद गुण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिएगा इसके उत्तर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया और आप सब लोग यहाँ से प्रसाद गुण की परिभाषा को भी नोट कर लो, ये लिखिए। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दोहा छंद का उदाहरण आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, दोहा छंद का उदाहरण यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लो और पूरा याद कर लो। अब उसके बाद में देखो ये 9 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसके उत्तर को भी आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों भारतेंदु युग की 2 विशेषताओं को नोट कर लो पूरा का पूरा इस प्रकार से, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर भी यहाँ से आप सब लोग नोट कर लो पूरा का पूरा। क्वेश्चन आपको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लें क्या लिखा है, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और अच्छे से पूरा याद कर लो। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया, रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है। तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो आपका जो 12वां क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन की कला के बारे में लिखी है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया उसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया, निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तित कीजिए, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक आपको बनाना है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग और इसको पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लो। अब उसके बाद में देखो अतः वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 13 तक का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, बेबी हलदार को लिखने के लिए कौन कौन ने प्रोत्साहित किया, तो इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा याद भी कर लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। देखिएगा समाचार के तत्वों के नाम ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको याद भी कर लें, समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो देखो पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा गया है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पूरा इसको याद भी कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 16 है जिसमें आपसे पूछा गया, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय आपको देना है। तो देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लें। 2 रचनाएं ये लिखी गई है, कला पक्ष ये लिखा है, साहित्य में स्थान ये लिखा है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो त्रिलोचन का जीवन परिचय लिखा है, 2 रचनाएं ये, कला पक्ष ये लिखा है, और उसके बाद में देखो साहित्य में स्थान ये दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा नोट कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 जो होगा, जिसमें पूछा गया, प्रेमचंद अथवा सत्यजीत राय का साहित्यिक परिचय आपको देना है। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया ये, तो देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ये लिखा। तो देखो प्रश्न नंबर 17 में आपको 2 रचनाएं ये लिखी प्रेमचंद की, और उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी गई है, और साहित्य में स्थान ये दिया गया है।
उसके बाद में देखो सत्यजीत राय का देख लीजिएगा, दो रचनाएं ये लिखी है, भाषा ये लिखी गई है, और इस प्रकार से आप सब लोग उसको देख लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर भावपल्लवन आपको करना है। पहला, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। इन दोनों में से किसी भी एक का आपको भावपल्लवन करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इनका भावपल्लवन। तो देखो एक तो ये अज्ञान वाला आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसका उत्तर लिखा है, और ये चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो आप सब लोग दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, इन वाले प्रश्नों के उत्तर। तो देखो इनके प्रश्न के उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, पहला लिखा ये वाला, और दूसरा दिया गया ये वाला, तीसरा ये लिखा है। उसके बाद में देखो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें उसका भी उत्तर आप लोग यहाँ से नोट कर लो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया, कुछ ना पाया जिंदगी में, रही सांझ अनाथ, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो इसका राइट आंसर ऐसे आएगा, आप सब लोग देख लें। तो ये इनके राइट आंसर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब आपका देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 जो होगा, 20 में आपसे इस प्रकार का एक आपको भावार्थ करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है इसकी, पद्यांश की हम तो एक करी जाना। ये वेरी वेरी मोस्टली आईएमपी है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो मैं आपके इसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको बता देता हूँ। तो देखो संदर्भ इस प्रकार से आपका आ जाएगा पूरा, और इसके बाद में देखो प्रसंग इस प्रकार से आ जाएगा, और इसकी व्याख्या या भावार्थ इस प्रकार से आपको लिख देना। इसका भावार्थ लिखना वैसे, ठीक है ना, जो आपकी कविता की पंक्तियाँ होती है ना उसमें आपको भावार्थ लिखना है, और जो गद्यांश होते हैं उसमें आपको व्याख्या करनी होती है। अब इसके अथवा जो इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन, नाचने के लिए खुला आंगन, इस वाले को देख लो। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इनके आंसर इस प्रकार से आ जाएंगे, संदर्भ ऐसे आपको लिख देना है पूरा, और उसके बाद में देखो प्रसंग ऐसे लिखना है, और भावार्थ इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें, और विशेष ऐसे लिखना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या आपको करनी, हम तो जो अंदर झांका। तो देखो इसको आप सब लोग पढ़ लेना। अब मैं आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताता हूँ। तो देखो संदर्भ इस प्रकार से लिखना आपको, यह आपका संदर्भ हो जाएगा, और प्रसंग इस प्रकार से लिखना है, और व्याख्या ऐसे कर देनी है, और विशेष ऐसे लिखना है। चार पॉइंट में आपको ये लिख कर आना होता है, चार पॉइंट के चार अंक आपको दिए जाते हैं। अब इसके बाद में इसका अतवाला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। तो इस वाले क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, और यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को भी नोट कर लो। संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा गया है, और व्याख्या ये की गई है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, और विशेष ये लिखा है। आप देखिएगा इसके बाद में आपका जो 22वां क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा गया नगर निगम पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र आपको लिखना, प्रश्न नंबर 22 में। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 22 का सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 के सॉल्यूशन को देख लें। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ, आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लो। अब इसके बाद में देखिएगा इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर ये हो जाएगा, आप सब लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आपका जो प्रश्न नंबर 23 है, जिसमें इन टॉपिक के ऊपर निबंध पूछे गए हैं। तो देखो निबंध यहाँ से आप लोग देख लो, रूपरेखा ये लिखी है, प्रस्तावना ये लिखी गई है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर ये लिखा है, कंप्यूटर के भाग ये लिखे हैं। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें, कंप्यूटर की विशेषता ये लिखी है, विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार से लिखे हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें, और अच्छी प्रकार से इनको पूरा कंप्लीट भी कर लें। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।